नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर वार। भारत समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं रमन पांडे। आज हम बात करेंगे जमाखोरों पर हल्ला बोल की। जी हां, बदलते क्लाइमेट, साइकिल का फायदा उठाते हुए जमाखोरों ने हमारी आपकी थाली पर हमला बोल दिया है। सीधे और सपाट शब्दों में, रोजाना हम जो सब्जियां खाते हैं उन्हें जमाखोरों ने डंप करके, उनकी कालाबाजारी करके, उन्हें जमा करके बाजार में उनकी कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा की, और सब्जियां कम होने के कारण जैसे ही उनके दाम चढ़े जमाखोरों ने सब्जियां ऊंचे दामों पर मार्केट में उतार दी। ये सिर्फ इस साल का किस्सा नहीं है, हर साल जब नई फसल आने वाली होती है उसके पहले के कुछ दिन, एक महीना जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, और उसी समय जमाखोर अपनी चांदी काटते हैं। इसी के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन लें, सख्त कार्रवाई करें। सीएम ने इनके लिए जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा लूट टमाटर और प्याज और आलू के दामों में है। प्रदेश में बमुश्किल 10 दिन बाद निकाय चुनाव के लिए पोलिंग होनी है। ऐसे में जमाखोरों की यह करतूत बड़ा सियासी सिरदर्द भी साबित हो सकती है, और इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने जरूरत पड़ने पर केंद्र से भी मदद लेने का मन बना लिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दें। हमारा विषय यह है कि जमाखोरों के खिलाफ हल्ला बोल जो मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके खिलाफ, चूंकि ये किसी न किसी सब्जियों की स्कार्सिटी आर्टिफिशियल पैदा करके ये साल भर मुनाफा कमाते हैं, तो इनके खिलाफ कोई ऐसा सिस्टम बने जो हमेशा साल भर इनकी गतिविधियों को देखता रहे और इनके खिलाफ एक्शन लेता रहे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दें आपसे। प्रोफेसर वीके गोस्वामी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन रावत जो कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं एनएसयूआई के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन खटारा जी जो कि नेता हैं किसान यूनियन के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी वीरेंद्र सिंह लखनऊ के ब्यूरो चीफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं दोपहर वॉर, और हल्ला बोलते हैं जमाखोरों पर। तो यूपी में निकाय चुनाव के मद्देनजर प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इनके दाम में एकाएक हुई वृद्धि को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याज टमाटर के बढ़ रहे दाम पर चिंता जाहिर करते हुए सभी जिलों को के जिलाधिकारियों को इनकी कीमतों पर काबू रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर बिचौलिए प्याज और टमाटर का स्टॉक न कर सके। उन्होंने प्याज और टमाटर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को शास्त्री भवन में तमाम मंडियों में सब्जियों के बाजार भाव की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। समीक्षा में पता चला है कि नवंबर में टमाटर का औसत थोक बाजार भाव 3000 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल और फुटकर भाव 55 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, और तकरीबन 60 रुपये के आसपास बिक रहा है। और इसी तरह प्याज का औसत बाजार भाव 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल और फुटकर में, लेकिन ये 50 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम बिक रहा है। यानी सब्जियों के बाजार भाव सामान्य है, लेकिन टमाटर, प्याज और आलू, इस चीज़ को लेके विशेष चिंता जाहिर की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर वार। जमाखोरों पर हल्ला बोल का जो ये अभियान चलाया मुख्यमंत्री ने, सबसे पहले अपने सहयोगी वीरेंद्र सिंह का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाजपा टमाटर और खासतौर से प्याज के आंसू को समझती है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी बहुत रुलाया था इस प्याज ने, लेकिन सवाल हमारा यही उठता है कि इसकी थ्रू आउट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जमाखोरों के खिलाफ पूरे साल एक्शन होना चाहिए, न कि सिर्फ इस समय जबकि निकाय चुनाव है। देखिए, जब जब बीजेपी सरकार आती है तब तब प्याज और सब टमाटर के दाम आसमान पे छू चढ़ जाते हैं। अब क्या कारण है ये बीजेपी के नेता इसका बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जमाखोर वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो मंडियों और आढ़तियों से जुड़ा हुआ वर्ग है, ये सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक कठिन समय है, क्योंकि चुनौती है उनके सामने। उन्होंने कहा था कि हम हर भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुनाफाखोरी से निजात दिलाएंगे,
अब ये सरकार ये बातें कहने के बजाय करके दिखाए, क्योंकि आलू 40 रुपया किलो बिक रहा है और मंडी में किसान को 4 रुपया किलो भी नहीं मिलता है। तो ये जो अंतर है, ये जो जमाखोर लूट रहे हैं इस प्रदेश को, इस पर अब काबू करने का वक्त आया है। हर बार ये देखने में आता है कि किसान और आलू प्याज और टमाटर कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतने कम दाम मिलते हैं कि वो उनको फेंकना पसंद करते हैं, ना कि मंडी तक ले जाके बेचना, इसलिए कि उसके बाद वो माइनस में रहते हैं। सचिन रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे कि क्या वजह है कि हमेशा इस सीज़न में सब्जियों के दाम बढ़ते हैं और कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। देखिए, जिस प्रकार की ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, इन लोगों ने सीधे तौर पे कहा था कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन महंगाई ना भ्रष्टाचार या प्याज के दाम हो या डीजल पेट्रोल के दाम हो, ये किसी प्रकार कोई भी दाम कम करने के बजाय और जनता को परेशान करके और बढ़ाते जा रहे हैं। जिसमें हम लोगों तो कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तब हम लोगों ने सब जो भी दाम थे उनको एक न्यूनतम, जो भी जब प्याज का दाम हो या गन्ना की बात हो या टमाटर की बात हो या किसी प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थ हैं, सबको एक तरह दामों में कम न्यूनतम ब्याज दर पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। न्यूनतम ब्याज दर मतलब? लेकिन मतलब सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसलिए कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उम्मीद कुछ वोट दिया था, बिल्कुल उम्मीद जनता कुछ और कर रही थी, निकला कुछ और। देखिए रमन जी, चाहे केंद्र में सरकार रही हो, बीजेपी की आई है या यूपी में, हमने महंगाई पे पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त किया। कहाँ नियंत्रण? नहीं, मेरी बात समझिए, कौन सी जगह है? हमने महंगाई, जितने फुटकर चीजें हैं आज देख लीजिए, गेहूं का रेट वही है, चावल का वही है, धान का वही है। आपको प्याज, आपको प्याज और टमाटर आपके घर में कोई रिकॉर्ड करे किया है? आपको प्याज और टमाटर, प्याज और टमाटर आपको कोई आपके घर 20 रुपए देके जाता है क्या? 5 साल का नहीं, मेरी बात सुनिए, महंगाई पे मैं बता रहा हूँ। आज देख लीजिए कि धान खरीद के लिए हमने हर जगह केंद्र खोल दिया है, जो किसान सीधे धान उन पर बन जाइए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, टमाटर टमाटर की बात कीजिए, सुनिए सुनिए, आम आदमी की थाली से आपने गायब किया है। किसानों के खाते में प्याज और टमाटर, सुनिए, पैसे ट्रांसफर किया। नहीं मैं आ रहा हूँ प्याज और टमाटर पे भी आ रहा हूँ, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। दो फसल ऐसे होते हैं, ऐसे प्याज और टमाटर, इसका कोई स्टॉक नहीं किया जाता है, ये मौसम के अनुसार। नहीं नहीं सुनिए, जो मौसम के अनुसार होता है, क्या बात करते हैं, सारे स्टॉक होता है, जिस अनुसार इसमें बारिश हुआ है तो प्याज के रेट थोड़ा सा बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मार्केट में 30 से 40 रुपए किलो प्याज भी पिछले सप्ताह बिक रहे थे। कहाँ बिक रहे हैं 30 से 40 रुपए? आज का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, प्याज की कितनी डिमांड हो गई, 50 रुपए किलो, 50 रुपए से कम कभी नहीं है, 50 में आज चल रहा है, अभी 30 रुपए था। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा मुझे एक बात, मेरी बात, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जमाखोरों के खिलाफ सारे जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है और आदेशित किया है कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इतना महंगा रेट प्याज नहीं खरीदारी किया, जिन रेट में ये लोग मार्केट में बेच रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सरकार ने सख्ती से कार्य करने के लिए सारे जिला अधिकारियों को आदेश किया है और जमाखोरों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अच्छा एक बात बताइए मुझे गोस्वामी जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है, बार बार आप लोग बोलते हैं जमाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है, और प्रदेश में भी आपकी सरकार आई है, प्रदेश में मान लीजिए कि नई नई सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी जमाखोरी के खिलाफ या जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं, मुझे एक बात बताइए, इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, इन्फ्लेशन रेट का प्रभाव तो बता दीजिए। अभी हमारे किसान के साथ ऐसा है, सुनिए, चलिए चलिए चलिए, पवन खटाना जी से पूछते हैं। खटाना जी, 2800 रुपए से 3000 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी कि 28 से 30 रुपए अभी भी थोक मार्केट में प्याज का रेट है, लेकिन 50 रुपए में जो बिक रहा है, यानी 20 रुपए कहाँ जा रहे हैं? ये जो बात आप कह रहे हो उसी बात पर हम इनसे, ये सरकार बैठी है, इनसे पूछना चाहते हैं कि जब आलू पैदा होता है, किसान पैदा करके लेके आता है, उसको कोल्ड स्टोर में रखने तक की जो व्यवस्था होती है वो चरमरा जाती है इनकी, जो इनके जो जमा खोर हैं उनके वहां पर
आलू रख दिए जाते हैं और उन्हीं के चक्कर में ये रेटों में डिफरेंस होता है जो भी कुछ होता है। किसान को तो आज अगर वहां से अपने आलू के 5 कट्टे निकालने तो उसके भी पैसे अलग से देने पड़ते हैं, 5 रुपए कट्टे वो अलग से वहन करना पड़ रहा है उसे वहां पर। दूसरा टमाटर और ये प्याज की जो बात कर रहे हैं, ये सब कुछ जब भी होता है जब भाजपा सरकार होती है, ये किसान के साथ में इन्होंने छल किया है। जितनी भी सरकारें होती है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ भाजपा ही होती है, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, अभी इन्होंने क्या किया इन्होंने भाजपा वालों ने, गन्ने के लिए ये 450 का रेट मांगते थे जब सपा सरकार थी, याद कीजिए। इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कहा था कि बहुत कम रेट दिया है इन्होंने। आज ये 10 रुपए का एक लॉलीपॉप दे करके ये किसान को बहका रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मुझे खटाने जी, क्या किया किसानों का? किसान को आपने कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, किसान जब फसल पैदावार कर, खुश है ना? अरे आप एक मिनट सुनिए, जब किसान पैदावार करके देगा, किसानों का 95% भुगतान किया है, जब किसान हमने जो है आलू कुछ नहीं किया, कौन सी जगह में आपने 95 कर दिया? आप एक जगह बता दीजिए, पूरे प्रदेश में निकाल हो गया, 95% हो गया। आप बताइए कहाँ नहीं हुआ है? आप एक जिले का बता दीजिए, किस जिले का नहीं हुआ? हर जिले में ऐसे कैसे पड़ा है? का बकाया हुआ कौन से जिले में बताएं? क्या राजनीति करते हैं? गोस्वामी जी, नहीं नहीं, हम गन्ने पर नहीं जा रहे, हम गन्ने पर नहीं जा रहे, हम गन्ने पर नहीं जा रहे, हम गन्ने की बात नहीं कर रहे हैं गोस्वामी जी, हम गन्ने की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, किसान ही बनते हो गोस्वामी जी, किसान के पौन कटाना, पौन कटाना, सुनिए आप एक बता दीजिए, गोस्वामी जी सवाल करेंगे, गोस्वामी जी सवाल करेंगे, सुनिए उस समय आपने क्या व्यवस्था की थी? मेरी बात सुनिए, गन्ने गन्ने किसान को क्या रेट दिया था? हमने आलू का टमाटर, आप धान के किसान हैं, सरकार आपसे ही आलू की बहुत धान के किसान हैं, जगह नहीं लगने के लिए नहीं बोलता है किसान, आठ बंदे करते हैं, ये पूरा रहा करते हैं। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, वीके गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी जी, अच्छा ये बताइए, ठीक है ठीक है, वीके गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी जी, सुनिए सुनिए, साइलेंस साइलेंस प्लीज, साइलेंस, गन्ना मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, गन्ना मूल्य के डिस्कशन बाद में करेंगे। वीके जी, ये गोस्वामी जी बहुत धनाढ्य किसान है, ये बड़ी बड़ी लग्जरी जीवन शैली है। चलिए गोस्वामी जी से ही पूछते हैं, यही तो पूछते हैं, चलिए गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, खटाना जी, खटाना जी, गोस्वामी जी को बोलने दीजिए, गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं, उनको हमने गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, अच्छा मेरी बात सुनिए गोस्वामी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इस डिबेट को, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपकी सरकार से सवाल पूछ रही है, एक प्रवक्ता होने के नाते आपसे सवाल पूछ रही है कि वो झोला लेके एक आम आदमी अगर इस समय बाहर जाए तो टमाटर और प्याज क्या रेट देंगे? निश्चित रूप से रमन जी, टमाटर और ये प्याज के रेट इस समय जो है इसी 3-4 दिन के अंदर जमाखोरों ने इसको हाई किया है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है ना, कब तक कम होंगे जमाखोर? कौन है? मैं बताना चाहता हूँ, जमाखोर है वो, हर दल के लोग हैं उसमें, किसान तो है नहीं उसमें, हर दल तो है नहीं, दल के लोगों में किसान कहा कह रहा हूँ, किसान पैदा करता है ना, किसान पे राजनीति, किसान तो पैदा करता है ना, इसीलिए हमने किसानों को कर्ज माफी की घोषणा की, हमारी सरकार दिखाया है मुझे बताइए कब कम होगा? अरे वीरेन जी, हमने चलिए कर्ज माफी किया, चलिए वीरेन जी से पूछते हैं, वीरेन जी बताइए, वीरेन जी साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस, बात सुनिए आप लोग, बात सुनिए, नहीं बात सुनिए, दिखाते हो कि मैंने 63 रुपए आपके माफ किए, बात सुनिए, विषय से मत भटकिए, आप लोग विषय से मत भटकिए, क्या गलती है? कौन खटाना जी, विषय से मत भटकिए, जमीन को अपनी को रखा के रखा, उसको आप बड़ा किसान मानते हो, कौन खटाना, कौन खटाना जी, 1-1 लाख, कौन खटाना जी, विषय से मत भटकिए, हमारा हमारी डिबेट से मत भटकिए आप लोग, हमारी डिबेट है कि आखिर इस निकाय चुनाव के मद्देनजर इसी समय जमाखोरों के खिलाफ एक्शन क्यों याद आ रहा है? इससे पहले थ्रू आउट द ईयर मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब है, कोई निकाय से संबंधित मैटर नहीं है, अभी तक यही प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा था और टमाटर 25 रुपए किलो बिक रहा था, मैं तो एक महीने से देख रहा हूँ, अचानक 3-4 दिनों में प्याज टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, इस बात को मुख्यमंत्री जी, आप सीनियर हमारे बड़े भाई हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान लिया ना, चलिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, तत्काल उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए आदेश किया है कि इसकी जांच कीजिए, जमाखोर खिलाफ, अच्छा कब तक कम हो जाएगा, अच्छी बात है, कब तक कम हो जाएगा के अंदर,
दो से तीन के अंदर आप देखिएगा ये क्या खा रहे हैं, दाम अपने रेट पे आ जाएंगे। अगर दाल महंगी है तो सब्जी लेने जाए, सब्जी नहीं खा। गरीब आदमी और जो आप आलू करते हो, आलू आज भी मार्केट में क्या खा रहे हैं, 8 रुपए 10 रुपए किलो बिक रहा है। कैसे भरेगा आज भी 10 रुपए किलो आलू, अच्छा से अच्छा मार्केट में बिक रहा है, कहां बिक रहा है आपको 10 रुपए किलो? कौन से मार्केट में बिक रहा है जरा बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता की मंडी में बिक रहा है, चल के मंडी में बिक रहा है, भुगतान की मंडी में बिक रहा है। 1 रुपए 1 मिनट 1 मिनट, 1 किलो आलू एक आम आदमी, एक आम आदमी कितना आलू खरीदता है? एक आम आदमी छोटे परिवार में, एक मिनट एक आम आदमी अगर एक मिनट एक आम आदमी सब्जी लेने जाता है तो आलू प्याज और टमाटर कितना खरीदेगा आप बताइए? एक छोटे से परिवार के लिए 1 किलो 2 किलो आलू खरीद लेगा। आप मंडी के रेट में बताइए ना, 40 रुपए किलो आलू मिल रहा है, टमाटर 1 किलो देता है प्याज टमाटर में, निश्चित रूप से इधर 2-3 दिन में जमा खोलो, 2-3 दिन में नहीं है, पिछले एक महीने से, पिछले एक महीने से देख रहा हूँ मैं। सरकार ने एक्शन लिया है, मैंने खुद खरीदा है पिछले एक महीने से 50 रुपए किलो प्याज, 50 रुपए नहीं खरीदा होगा, 101% खरीद रहा हूँ मैं। वीरेंद्र जी बताइए, आपने माल में खरीदा होगा? ऐसा है बिल्कुल मॉल में नहीं खरीदते हैं आप, मॉल वाले आप मंडी में जाइए ना, ऐसा है रमन जी, मॉल से नहीं खरीदते हम। ऐसा है रमन जी कि जिसकी जेब में माल है, जो सत्ता में बैठा है, उसके लिए दाम चाहे जितना बढ़िया क्या फर्क पड़ता है? 100 रुपया सत्ता में बैठे हैं, जनता के हित के लिए बैठे हैं, किसानों के हित के लिए बैठे हैं, मजदूरों के हित के लिए बैठे हैं, व्यापारियों के हित के लिए बैठे हैं, किसानों के हित के लिए बैठे हुए हैं। हम सरकार में आए हैं जन कल्याणकारी योजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए अंतिम व्यक्ति के लिए मैं खड़ा हूँ, सरकार खड़ी है। किसान के हित में कार्य करना है तो हर किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने क्या किया पेट्रोल पंप वालों? पेट्रोल पंप के खिलाफ वो सीज हो गया है, वो सीज दोबारा नहीं चल रहा है, कोई पेट्रोल पंप खुल गया है, जो पेट्रोल पंप हुआ वो सीज ही है, सीज ही है ना। लेकिन दूसरे पेट्रोल पंप पे ये चल रहा है, ये धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी इसका पता है? ये कहिए कि अगर दूसरे चल रहा है भी जांच होगी। देखिए ऐसा है, वो एसटीएफ का पकड़ा गया हो, हर चुनाव में खुला हो तो बता दीजिए, हर चुनाव में यहाँ से चिकूपा फेंकते हैं ये पार्टी वाले कि इनका सिर्फ ये है कि किसान का ध्यान बटाओ, किसान के प्रति अपनी सहानुभूति। अच्छा मुझे बताइए कि हम बहुत अच्छे किसान के प्रति कार्य कर रहे हैं, ये 4 दिन के लिए इनका होता है जी, कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कौन कटाना जी, वीरेंद्र जी से बात करते हैं, बात करते हैं, किसान खुश है, कर्जे की बात, कर्जे का डिस्कशन नहीं कर रहे, खुश है, नहीं कर्जे का डिस्कशन नहीं कर रहे वीरेंद्र, साइलेंस साइलेंस प्लीज, वीरेंद्र जी से बात कर रहा है, वीरेन जी से बात करेंगे। वीरेन जी एक बात बताइए मुझे कि ये आज की तारीख में जो 60 रुपये किलो के आसपास का टमाटर चला गया है और प्याज आपका 50 रुपये से कम नहीं बिक रहा है, सवाल ये उठता है कि ये हर साल का खेल है, चाहे कोई सरकार आती है कोई जाती है, सब बोलते हैं कि जमाखोरी पर नियंत्रण होगा, जमाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा, होता कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 60 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है वो उसको किसान ने 100 रुपये किलो बेचा है, कुल मिला जुला के बिचौलिए एकदम सक्रिय हैं और कोई इस तरह की कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है गवर्नमेंट की जो जिसका खौफ इन बिचौलियों पर कायम हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह की कोई ऐसी बॉडी बनानी चाहिए और उसका खौफ इतना कायम करना चाहिए ताकि बिचौलिए अपनी हरकत से बाज आएं। वीरेंद्र जी, रमन जी, पहले तो गोस्वामी जी इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। वीरेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, आपको आप लोग घुमाने बैठे हैं, 10 रुपए किलो पता नहीं कहाँ आलू मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा घोषणा किया है, आपको तो स्वागत करना चाहिए ना। हम स्वागत करते हैं सुनिए, हम मुख्यमंत्री जी की घोषणा का स्वागत करते हैं, उनके इरादों पे कभी भारत समाचार कोई भी शको शुभा नहीं करता है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि आलू 10 रुपए किलो मिल रहा है तो एक काम कीजिए, विधानसभा के बाहर भाजपा एक स्टॉल लगवा दे और लोगों को बता दे 15 रुपए किलो बिकवा दे, विधानसभा के बाहर स्टॉल लगाइए, आप आलू प्याज टमाटर आप वहाँ 15 रुपए किलो बिकवा दीजिए, देखिए जनता लेगी, खुशी खुशी लेगी प्याज और टमाटर के भी। देखिए डिबेट में बात सुनने से जनता का पेट नहीं भरेगा, डिबेट में जितनी भी चीजें हैं, चाहे हरी सब्जी है, चाहे भिंडी है, लौकी है, समझिए लौकी है, जितना भी हरी सब्जी है वो सारे सस्ते हैं। आज भी गेहूं पे कंट्रोल है, दाल चावल आटा पे कंट्रोल है, चारों की महंगाई पे कंट्रोल है, महंगाई पे आप खत्म, 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। आटे पे तो आपने 3 साल की सरकार, 4 साल की हो गई, केंद्र में महंगाई खत्म नहीं कर पाया। आटे पे तो दुर्भाग्य है, आपने बोला ना कि आटे पे कंट्रोल है, आटे पे तो
पैकेज आटे पे जो जीएसटी आपने लगा के उसको भी आम लोगों से दूर कर दिया। पैकेट आटा कितने लोग खाते हैं ना? आप कौन सा आटा खाते हैं? आप कौन सा आटा खाते हैं? चक्की का पीसा आटा खाते हैं? क्या बात करते हैं? बड़े लोग 1% जो पैकेट का आटा खाते हैं। क्या बात करते हैं? कोई डेटा नहीं आपके पास। 1% ऐसे कैसे बिलीव कर सकता है कोई कि वीरेन जी 1% लोग इनके हिसाब से वो पैकेज आटा खाते हैं? कैसे हो सकता है? वाले लोग 1% लोग हैं, बाकी आम दुकान पे लोग आटा चावल खुले आटा सुनिए। उस जीएसटी में ये भी है कि अगर लोकल दुकानदार भी किसी तरह की अगर पैकिंग करता है तो उस पर भी उतना ही टैक्स लगेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिथीन देता है तो उस पे कोई जीएसटी नहीं है। आपने सवाल किया तो पॉलिथीन पे नहीं है, पॉलिथीन पे नहीं है लेकिन अपना रैपर लगाता है। इसकी जानकारी किया उन्होंने, कहा नहीं अगर हम पॉलिथीन के पैकेट में देते हैं पॉलिथीन पे नहीं लगेगा, पॉलिथीन पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर पैकेज रैपर दुकानदार अपना भी बनवाता है उस पे भी लगेगा, उस पे भी 5% जीएसटी लगेगी। मैं ये पूछना, नहीं मुझे बताइए, मैं गोस्वामी जी से ये पूछना चाहता हूं, जीएसटी आपको डुबो देगी? आपने ये जो आपने आज जमाखोरों के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप एक बता दीजिए किसान के आलू के प्रति आगे आने वाली जो फसल है जो आज किसान बो रहे हैं और आगे वो प्याज बो रहे हैं, प्याज बोएंगे टमाटर होएगा, उसके लिए आपकी कोई नई नीति बनी सरकार में? आपके ही आलू का समर्थन मूल्य मैंने घोषित कर दिया है, उसे उसको 50 पैसे 1 रुपए किलो नहीं बेचना पड़ेगा। समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है 8 रुपए, समर्थन मूल्य का 8 रुपए जो समर्थन है 8 या 10 रुपए घोषित किया गया है, उसके पैदावार मंडी में बिकेगा उनका आलू? जैसे गेहूं का रेट, एक मिनट जी, आपने उसका जो समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हो उससे पहले किसान से, अरे पहले सुनो तो सही, आप पहले पता कर लीजिए। हाँ घोषित जो करते हैं आप पता करके नहीं आते हैं? सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मेरा क्वेश्चन आपसे इस तरीका का, आप तो किसानों की राजनीति का, अरे पहले सुनो तो सही, पहले क्वेश्चन तो सुनो, उसको मालूम है, आप पहले क्वेश्चन सुनिए, आप पहले क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, हमें क्वेश्चन सुनिए, नहीं आपकी नहीं क्वेश्चन सुनिए, हमें क्वेश्चन सुनिए, हमारा क्वेश्चन सुनिए। हाँ कटा, आप आलू की जो पैदावार अब होगी जिसको आज किसान लगा रहा है उस पर आप जो समर्थन मूल्य घोषणा कर रहे हो उससे ये भी आपने जानकारी ली है कि वो जो उसमें जो पैदावार करेगा, जो उसमें खर्चा करेगा, उसका कितना खर्चा बैठता है उसका, और उसे उसका जो कल को जो मिलेगा वो उसे कितना क्या मिलेगा? ठीक बात है, आप समर्थन मूल्य 10 रुपए बढ़ाकर बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए सरकार जब भी किसी चीज का समर्थन मूल्य घोषित करती है, चाहे गेहूं हो, चाहे ये आपको धान हो या आलू हो या गन्ना हो, तो ऐसा रेशियो लगाती है सरकार कि कितना सरकार किसानों ने पूंजी लगाई है, किसके अनुसार उसको लगाती है। हाँ लगाती है, अब आलू पूंजी लगती है क्या? कितनी पूंजी लगती है आप बताइए मुझे, आप तैयारी करके आए हो? इसी के अनुसार 1500 रुपए के हिसाब से गेहूं का रेट लगाया गया, 1560 रुपए, 1560 में गेहूं तैयार हो जाएगा, उसके बाद में धान का घोषित किया गया, जो आप लोग 50 पैसे 1 रुपए किलो सरकारी खरीदती थी आलू, हम 8 रुपए 10 रुपए खरीदने जा रहे हैं। सरकार से मतलब नहीं है हमें, जो सत्ता में बैठी उससे मतलब है, जो आज 60 साल पहले जो जहां पर सत्ता भोग रहा था वो आज कोने में बैठा हुआ है, उसका उसका मतलब नहीं है। हमने 325 जो दी है वो किसानों ने दी है आपको, हम आपसे जवाब लेंगे, हम उनसे नहीं लेंगे जो आज कोने में बैठे। आप बताइए ना, अच्छा गोस्वामी जी, धान की खरीदारी बिचौलिया करते थे, अब वो बिचौलिया नहीं करते पाएंगे, एक मिनट आज भी है, एक मिनट, और बिचौलिए सबसे ज्यादा आपकी सरकार में उभरते हैं। एक मिनट गोस्वामी जी, लोग होंगे आप रेट बताइए, आपके लोग होंगे, किसान में कोई लोग नहीं होते हैं, और जिस दिन किसान के लोग होने लगे थे उस दिन आप 325 नहीं आएंगे किसानों को, आप किसान नेता हो गए, आपको तो उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन विधायक जीत के आया आप किसी समर्थन नहीं करते, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सुनिए सुनिए, साइलेंस साइलेंस साइलेंस
हमारा वक्त खत्म हो चुका है। लास्ट में एक रिएक्शन वीरेंद्र जी से लेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कोई भी पार्टी आती है सत्ता में, वो अपने हिसाब से बार बार बोलती है कि कंट्रोल करेंगे और जो बिचौलिए हैं, जो मिडिलमैन है, उसको खत्म करेंगे, होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि सब्जियां क्या किसान उगाना बंद कर दे, इसलिए कि किसान को जो उसका मूल्य मिलता है वो बिल्कुल उसके सर्वाइवल के लिए भी काफी नहीं होता है और सारा माल बिचौलिए काट जाते हैं। सवाल यह है कि किसानों के नाम पे जो भी किसान यूनियन या जो भी लीडर्स होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि कम से कम उनकी आवाज इतनी दूर तक जाती नहीं कि गवर्नमेंट नहीं तो आप क्यों नहीं कुछ करते, तो आप क्यों नहीं कुछ करते, आप क्यों नहीं कुछ करते नहीं मानते। चलिए आखिरी रिएक्शन वीरेंद्र जी क्या बिचौलियों के खिलाफ, साइलेंस प्लीज हमारा वक्त खत्म हो चुका है। लास्ट रिएक्शन वीरेंद्र जी से, क्या बिचौलिए के खिलाफ एक्शन होगा? जो दल सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, खोरों मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम उम्मीद करते हैं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, चलिए तो जिलों में कीमतें नियंत्रण में आनी चाहिए। चलिए वीरेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीके गोस्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सचिन रावत और पवन खटाना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इनिशिएटिव लिया है और आने वाले समय में इनकी कीमतें कम होंगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो किसान, जो कोई भी उत्तर प्रदेश का किसान, उसको ये मजबूरी ना आए कि उसको अपना आलू 1 रुपये और 50 पैसे पर बेचना पड़े, इसलिए कि बिचौली अगर उसको 40 रुपये में बेच रहे हैं तो कम से कम किसान को इतना फायदा होना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।